तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर एक एक्टिविटी दी गई है, क्या है लेते हैं? लुक एट द पिक्चर। उस पेज नंबर 12 पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं, वो पिक्चर को देखना है एंड फ्रेम एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स का यूज करते हुए जो पिक्चर दी गई है उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो वर्ड्स क्या है देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, प्रीपोजिशन है, एक्चुअल में प्रीपोजिशन दिए गए हैं, इनका यूज करना है और सेंटेंस फ्रेम करना है। यहाँ पर प्रीपोजिशन ये है, मैं वो रीड करता हूँ, इन का मीनिंग में या अंदर, ऑन का मीनिंग होता है पर, किसी भी चीज पर, अंडर का मीनिंग के नीचे, अंडर का मीनिंग के नीचे, नियर यानी करीब या नजदीक, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, बिहाइंड के पीछे, बिहाइंड यानी के पीछे, किसी भी चीज के पीछे। तो यहाँ पर इन वर्ड्स का या इन प्रीपोजिशन का यूज करते हुए सेंटेंस फ्रेम करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पर देखिए आप वर्ड्स है, ये जो पिक्चर यहाँ पर दी गई है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते वक्त हम वर्ड्स कौन से लेंगे, ये जो दिए गए हैं यहाँ पर, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इनको लेते हुए। ठीक है, मैं सबसे पहले एक सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में जितनी भी थिंग्स हैं, वेजिटेबल सेलर वुमन है या वो बास्केट है या पंपकिन है, ये सब के सब किसी चीज पर बैठे हुए हैं या रखे हुए हैं, इनको किस पर, मैट पर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उस मैट का सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। सेंटेंस कैसे देखिए, यहाँ पर There is a mat. There is a mat. वहां पर एक मैट है, तो वेजिटेबल सेलर है, उस वुमेन को हम डिस्क्राइब करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, the woman. The woman is sitting. बैठी हुई है। The woman is sitting, बैठी हुई है कहां पर, कहां पर बैठी हुई है, वो मैट पर, जो मैट नीचे है ना उस मैट पर बैठी हुई है। तो मैट पर बैठी हुई है, पर जो वर्ड आ रहा है अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे, ऑन। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, द वुमन इज सिटिंग ऑन द मैट। देखिए The woman is sitting on the mat. वो औरत कहाँ पर बैठी हुई है, मैट पर बैठी हुई है। एक और सेंटेंस फ्रेम हो सकता है उस वुमन का, थिंक करो क्या हो सकता है। चलिए मैं राइट कर लेता हूँ, द वुमन इज, दोबारा देखिए, द वुमन इज सिटिंग, वुमन इज सिटिंग, बैठी हुई है। एक तो हमने लिखे मैट पर बैठी हुई है, ऑन द मैट। अब और क्या कर सकते हैं, देखिए वहां पर अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला के नीचे, तो के नीचे इसके लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है, अंडर। देखिए यहाँ पर अंडर, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, ये द वुमन इज सिटिंग अंडर एंड अम्ब्रेला। देखिए सेंटेंस किस तरह से हो गया, द वुमन इज सिटिंग अंडर के नीचे, देखिए के नीचे एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे। उसी तरह देखिए वहां पर एक बास्केट है टोमेटोज का, आ रहा है आपको नजर। अगर मैं आपको पूछूं वेयर इज द बास्केट, वो बास्केट कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, द बास्केट इज, यहां पर राइट कर लेते हैं, द बास्केट
इज, हाँ बताइए आप बास्केट कहाँ पर है? द बास्केट इज सामने है, के सामने, किसके सामने, किसके सामने, वो जो वुमन है उसके सामने, तो के सामने, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? इन फ्रंट ऑफ। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा देखिए, द बास्केट इज इन फ्रंट ऑफ द वुमन। टोमेटोज का बास्केट कहां पर है? इन फ्रंट ऑफ द वुमन, उस वुमन के सामने है। द बास्केट इज इन फ्रंट ऑफ द वुमन, हो गया सेंटेंस फ्रेम। उसी तरह वहां पर और कुछ नजर आ रहा है, देखिए क्या है, पंपकिन है, पंपकिन है, तो उसका सेंटेंस आप क्या फ्रेम कर सकते हो? तो चलिए बना लेंगे सेंटेंस, द पंपकिन, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हो, देयर इज अ पंपकिन। अरे पंपकिन कहां पर है, वेयर इज द पंपकिन? तो दो इसके आंसर हो सकते हैं, द पंपकिन इज ऑन द मैट, मैट पर है, द पंपकिन इज ऑन द मैट, ये भी आंसर आ सकता है, और ऐसे भी हो सकता है दैट इज अ पंपकिन नियर, नियर नजदीक करीब, देखिए यहां पर लिखा हुआ वर्ड है नियर, नियर का मीनिंग नजदीक या करीब, नजदीक है करीब है किसके, वो बास्केट के। तो सेंटेंस क्या होगा, दैट इज अ पंपकिन नियर द बास्केट, फुल स्टॉप, दैट इज अ पंपकिन नियर द बास्केट। इस तरह से और एक सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं हम, इन इनका यूज करते हैं, इनका मीनिंग में किसी चीज में अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पॉकेट है, मैं इस चौक को अगर पॉकेट में डाल दूं तो क्या बनेगा ये, द चौक इज इन द पॉकेट, देखिए मैं निकाल रहा हूं इसको, तो किसी चीज में या अंदर जब कह रहे हो तो इन यूज होगा। यहां पर हम सेंटेंस क्या कर लेते हैं, इनका यूज करके कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं, तो देखिए देयर आर टोमेटोज, मैं यहां पर राइट कर देता हूं, देयर आर टोमेटोज, देयर आर टोमेटोज, टोमेटोज हैं बहुत सारे, कहां पर है, वेयर, इन द बास्केट, बास्केट में, जब यहां बास्केट में कह रहे हैं हम तो यूज क्या होगा यहां पर, इन, देखिए सेंटेंस, देयर आर टोमेटोज इन द बास्केट एंड फुल स्टॉप। तो इस तरह से पैराग्राफ यहां पर फ्रेम हो गया, एक पैराग्राफ यहां पर बन गया, रीड करता हूं, देखिए आप क्या, देयर इज अ मैट, द वुमन इज सिटिंग ऑन द मैट, The woman is sitting under an umbrella. The basket is in front of the woman. There is a pumpkin near the basket. There are tomatoes in the basket. तो इस तरह से आपने क्या करना है, अगली पिक्चर लेना है, उसको डिस्क्राइब करना है और इसे पैराग्राफ बना लेना है, या फिर कम से कम एटलीस्ट 3 सेंटेंस आपने फ्रेम करने हैं। तो अभी आप क्या करोगे, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके, खुद से सेल्फ एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, और जो भी आपने राइट किया हुआ है उसकी पिक अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। लेसन एक बार खत्म होता है, थैंक यू।